नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मदार के पौधा, जिसे हम बोलचाल की भाषा में आँख के नाम से जानते हैं, बहुत जगह इसे आँख दूध भी बोलते हैं, इसे कई जगह मदार के नाम से जानते हैं। और मैं के वीडियो में बता चुका हूँ कि 11.5 वर्ष पुराने इसके जो जड़ होते हैं, भगवान गणेश जी की आकृति ले लेते हैं और कई जगह मदार के जड़ की पूजा भी होती है, यानी कि इसकी जो जड़ की गणेश जी बना करके इसकी मूर्ति बना करके स्थापना करते हैं और इसे बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है, इसकी पूजा किया जाता है। तो मित्रों, आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, वनस्पति शास्त्र में कुछ ऐसे जानकारी मिलते हैं जिससे इस पौधे से गरीबी, निर्धनता, जीवन में चल रही दुख तकलीफ, सारे समस्या को चुटकियों में समाप्त किया जा सकता है, अन्न धन की घर में बढ़ोतरी किया जा सकता है। इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, कोई भी जो जानकारी होती व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम जरूर आते, अपने फायदे के लिए एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। अगर हमारे वीडियो में बताया गया जानकारी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं मदार की चमत्कारिक फायदों को। वनस्पति शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि अगर इसके 21 पत्ते की माला बना करके, इसके 21 पत्ते ले लेना और इसे साफ धो करके माला बना लेना और इसे माला बना करके अगर मंगलवार के दिन इस पत्ते पर बंधन से राम लिख करके हनुमान जी को चढ़ाया जाए तो इसे इच्छा की पूर्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, सर पे कर्जे का भार बढ़ा तो कर्जे का भार भी तुरंत उतर जाता है, ऐसा हमारे वनस्पति शास्त्रों में लिखा है। और तंत्र शास्त्रों में भी ये भी बताया जाता है कि इसके 21 पत्ते की माला बना करके अगर निर्धन से निर्धन व्यक्ति हनुमान जी महाराज को राम लिख करके चढ़ा दिया जाए, पहना दिया जाए तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति धन वैभव से परिपूर्ण बन जाते हैं। और ये भी बताया जाता है कि इसके 108 पुष्प अगर बुधवार के दिन कोई भी इच्छा को लेकर के, जो भी आपके मन में दबी हुई इच्छा हो, वह इच्छा को लेकर के केवल इसके सफेद कलर की जो पुष्प होते हैं वो 108 के शंख में भगवान गणेश जी को चढ़ाने से, भगवान गणेश जी को चढ़ा करके कुछ भी मांग सकते, कुछ भी एनीबॉडी संसार की कुछ भी चीज मांग सकते, भगवान गणेश जी वह चीज प्रदान करते हैं। केवल इसके एक पुष्प 1000 कमल के बराबर होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। और इसके सूखे फल की रुई निकाल करके, ध्यान दीजिए इधर की जो जानकारी बहुत ही काम आएंगे, तो इसके सूखे फल की रुई निकाल करके घी के दीपक में इसके बत्ती बना लेना है और दिवाली के दिन 4 मुख का दिया बना करके अगर घर के चौराहे पर रखा जाए, घर के जो आंगन होते वहां पे रखा जाए, जलाया जाए तो धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करने लगती है और चारों दिशाओं से 4 बत्ती बना करके जलाने से चारों दिशाओं से धन आने लगता है। और ऐसा भी बताया जाता है कि इसके फल से निकाला रुई की बत्ती बना करके, जी हाँ, इसके फल से निकाला गया जो रुई होती है इसके बत्ती बना करके 11 दिनों तक पीपल पेड़ के नीचे सायंकाल में, पीपल पेड़ के नीचे सायंकाल में 11 दिनों तक इसके जो रुई है इसके बत्ती बना करके पीपल पेड़ के नीचे जलाने से मित्रों ये बताया जाता है कि इसे हमें अचानक से गिरा धन मिलता है, गड़ा धन की प्राप्ति होता है, किसी न किसी माध्यम से जबरदस्ती धन की प्राप्ति होता है, ऐसा बताया जाता है। और ये भी बताया जाता है कि इसके जड़ को ताबीज में भर करके पहनने से अध्यात्म उन्नति होता है, नजर दोष नहीं लगता, लक्ष्मी साथ देता है, कदम कदम में हमारे जो मार्गदर्शन करते हैं भगवान गणेश जी महाराज और हम आर्थिक रूप से एकदम मजबूत बन जाते हैं, हमारे घर धीरे धीरे अन्न धन से भर जाते हैं। जब तक इसके जड़ आपके गले में रहेंगे, ताबीज में भरा हुआ, आप हमेशा, आपके अध्यात्म उन्नति होगा, आपके कारोबार में बढ़ोतरी होगा और आप जो अन्न धन से भरे रहेंगे। तो आप भी गरीबी मिटाने के लिए, निर्धनता मिटाने के लिए वीडियो में 5 उपाय बताए हैं, 5 उपाय में से जो उपाय अच्छा लगे वो उपाय करें, आपकी गरीबी मिटेंगे, निर्धनता समाप्त हो जाएंगे। तो ये थे आज के छोटी सी जानकारी, कोशिश करता हूँ कि छोटे से जानकारी आपके जीवन में हेल्पफुल साबित जरूर होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरिओम।